हाटमिका हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहित यादव उर्फ मोनू मानुसर के समर्थन में कल एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसके वक्ताओं ने खुले तौर पर ये बात कही कि पुलिस अगर इन आरोपियों को पकड़ने के लिए आती है तो वो अपने पैरों से वापस नहीं जा सकेगी। एक तरह से राजस्थान पुलिस को उन लोगों की तरफ से धमकी दी गई है। दूसरा, आज पलवल जिले के हथीन में आए एक और महापंचायत हो रही थी, उसमें पत्रकारों को अपमानित करके और उस जो सभा जो प्रोग्राम था उससे निकल जाने की धमकी दी, निकाल दिया गया और ये भी कहा गया कि इस क्षेत्र में कभी दोबारा दिखाई ना दें। इन दोनों जो घटनाएं हैं उनकी हम बहुत ही निंदनीय हैं और बहुत ही गलत है इस तरह की चीज़ें। इससे ये भी अंदाज़ा होता है और ये बात साफ होती है कि हरियाणा में जो सरकार है वो सही मानों में वो सरकार जो है वो किनके हाथों में है और किस तरह के लोगों को वो प्रोत्साहित कर रही है, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। ऐसे लोगों पर पाबंदी लगाई जाए, ऐसे सभाओं पर पाबंदी लगाई जाए और ऐसे जो वक्तव्य लोग दे रहे हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। तीसरी बात ये भी है कि जो इन इलाकों में जो इस तरह की गिरोह सक्रिय हैं, ऐसे लोग जो खुलेआम मॉडर्न और अत्याधुनिक हथियारों के साथ में वो का प्रदर्शन भी कर रहे हैं और घूमते रहते हैं, लोगों पर जुल्म और ज्यादती करते हैं, उनको कानून अपने हाथ में लेने का हक किसने दे दिया है? तो इस तरह के लोगों पर, ऐसे ग्रोह पर भी फौरन पाबंदी लगाई जाए और जो लोग भी इस तरह की शरारतें करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आखिरी बात ये कहना चाहेंगे कि जो आरोपी हैं उनमें से जिन लोग दो लोगों को दर्दनाक तरीके से मारा है, जलाकर मारा गया है, उनमें से एक आदमी को अभी पकड़ा गया है, अभी तक लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, राजस्थान सरकार भी उसमें तेजी लाए और लोगों को पकड़ करके उनको सख्त सजाएं दी जाएं।